शौनक के प्रश्न में परमार्थ है। इसलिए सूत जी बहुत खुश हुए, तत्क्षण उत्तर दिया, मंगलाचरण भी न किया, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी। काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णांश हे तवे, काल व्याल मुख ग्रास। हे शौनक सुनो, काल रूपी भयंकर अजगर मुंह खोले बैठा हो और उसमें कोई चिड़िया बैठी उसके मुंह में, अजगर अपना बड़ा सा मुंह खोले और उसी समय कोई चिड़िया उसके मुख में जाकर बैठ जाए, तो आप खुद सोचो वो चिड़िया कितनी देर जीवित रहेगी जितनी देर अजगर का मुंह खुला है। हाँ, जैसे ही बंद हुआ चिड़िया का जैसे आया, और कब बंद हो जाए मुंह कोई भरोसा है क्या? कोई गारंटी नहीं। यही सेम सिचुएशन हमारे और आपके साथ है। काल रूपी अजगर मुंह खोलकर बैठा है और उसमें हम और आप बैठे हैं, और कब वो काल अपना मुंह बंद कर दे कोई भरोसा नहीं। कितनी योजनाएं हम बनाते रहते हैं, कल का पता नहीं होता है, अगले मिनट में क्या होने वाला है कोई पता नहीं, और कितनी एडवांस योजनाएं हम बनाते रहते हैं कि अगले साल ये करेंगे, दो साल के बाद ऐसा करेंगे, तीन साल के बाद ये करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे। क्या गारंटी है साहब कि तुम तब तक जीवित रहोगे ही? कोई गारंटी नहीं। अभी कोरोना ऐसा भयंकर आया था, कितने लोगों को लेकर चला गया, उन बेचारों के कितने सपने होंगे, कितनी प्लानिंग होगी आगे की। लेकिन काल ने अपना मुंह बंद कर दिया और सब खत्म। हमारी आपकी भी स्थिति वही है साहब, कब काल अपना मुंह बंद कर दे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर पल सावधान रहो, हर पल चौकन्ने रहो, चैतन्य रहो। कल जो करना है वो आज ही कर डालो, और आज जो करना है वो तुरंत कर डालो, खासकर शुभ कर्म जो है, अच्छे कर्म जो है वो कल के लिए मत टालो साहब, कल करेंगे। नहीं, दशरथ जी ने यही भूल कर दी थी, कल राम को राजा बनाएंगे, और परिणाम क्या हुआ? 14 वर्ष भगवान राम दूर हो गए, भारत की प्रजा 14 वर्ष राम राज्य से वंचित रह गई एक भूल के कारण। अरे कल को किसने देखा है साहब? हाँ, आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है ये सोचकर कि बस ठीक होकर लौट आएंगे, उसको क्या पता कि यात्रा हमारी अंतिम यात्रा हो जाती। हाँ, एक पल की आशा नहीं है साहब, आप कभी विचार तो करो। खबर नहीं पल की, ए भाई बात करे कल की, एक पल की आशा नहीं है साहब। पंच तत्व का बन्याय पिंजरा, 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 पंच
तत्व का बनाए रहा। माटी जंगल की रे भाई, माटी जंगल की रे भाई, माटी जंगल की रे भाई, माटी जंगल की। धन दो कल को किसने देखा है? कल जो करना है वो आज ही करो, और आज जो करना है वो अभी करो। किसी से क्षमा मांगनी है तो आज ही मांग लो। किसी को प्रणाम करने का दिल करे आज ही कर लो। कल का समय हमारे पास रहे न रहे क्या भरोसा? हाँ, हमारी आयु बहुत कम है साहब। ये बात अलग है कि आप 100 साल जिएंगे, लेकिन कब मालिक का बुलावा आ जाए कुछ पता भी तो नहीं होता। केवल संसार में इसी बात की गारंटी नहीं है, कब जाना है कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि अरे आपकी आयु तो बड़ी लंबी है, 100 साल जीने वाले। और पूछो बाबा गारंटी क्या? बोले नहीं नहीं गारंटी नहीं है, जियोगे 100 साल लेकिन गारंटी नहीं। कब मालिक का बुलावा आए कोई पता नहीं। हां, इसी 100 साल में यदि आपको गोविंद का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है और मुक्त हो जाना है, तो एक उपाय बताया सूत जी ने, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। एकमात्र उपाय है संसार में श्रीमद्भागवत का आश्रय करें। भागवत का सहारा ले लो साहब, इसी 100 वर्ष के भीतर, इसी कम आयु के भीतर ही आप गोविंद का दर्शन भी कर सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। केवल भागवत का आश्रय करो। तो
शौनक ने कहा, बाबा ये भागवत क्या है, मैंने तो कभी सुना नहीं भागवत के विषय में, क्या है भागवत? बोले तुमने सुना नहीं, मैंने तो देखा है भागवत की महिमा को। पता है जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना, मैं भी वहां था और मैंने देखा कि अभी कथा शुरू होने से पहले ही 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव को आकर देने लगे, महाराज ये थोड़ी सी भेंट। तो सुखदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या, इन देवताओं को मैंने तो बुलाया नहीं, बगैर बुलाए आए और अमृत लेकर आए। अब जैसे कोई महाकंजूस हो हाँ, और अचानक कथा में आकर कहे बापू 5 लाख रुपए का डोनेशन, तो आश्चर्य तो होगा ना उसके पड़ोसियों को भी कि ये क्या, इतना महाकंजूस आदमी और अचानक 5 लाख। सुखदेव को भी आश्चर्य हुआ कि बगैर बुलाए आए और अमृत लेकर आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है भाई, अब लाए हो तो पिला दो परीक्षित को। बोले नहीं नहीं महाराज, वो परीक्षित को तो हम पिला ही देंगे, लेकिन एक छोटी सी शर्त रख लिया जाए। शर्त ये महाराज कि मेरा वाला अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं और जो आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं ना, वो बदले में महाराज हम सबको पिला दीजिए। सुनकर सुखदेव ने कहा कि हाँ अब आए लाइन पर तुम लोग, ये सौदा करने आए हो, कहां मेरा दिव्य अमृत और कहां तुम्हारा ये अमृत, हाँ इसकी बराबरी नहीं हो सकती है देवताओं। तुम्हारा वाला अमृत पी करके व्यक्ति अमर तो हो जाता है लेकिन अभय नहीं होता, और मेरा वाला अमृत ऐसा है इसको पीकर व्यक्ति अमर तो नहीं होता है लेकिन अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और बगैर अभयत्व के अमरत्व किसका मुकाम, 100 साल जियो डरते डरते, क्या मतलब ऐसी जिंदगी का, हाँ हर चीज से डरते रहो। अच्छा कोई डॉक्टर आपको कहे कि भाई चलो 100 साल जियोगे लेकिन मिठाई मत खाना, नमक भी छोड़ दो, आंखों पर चश्मा लगा रहेगा, छत पर नहीं चढ़ सकते हो, हाँ दौड़ना भी मत, कुर्सी पर आधे घंटे से ज्यादा बैठना मत। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो और फिर डॉक्टर कहे 100 साल जीना है, क्या मतलब है इसी जिंदगी का, नमक भी न खा पाए, मीठा भी न खा पाए, आंखों पर मोटे ग्लास वाला चश्मा लगा रहे, हाँ कमर भी सीधी न हो, इतनी प्रॉब्लम्स है तो हम खुद ही कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ कम कर दो लेकिन स्वस्थ कर दो, 100 नहीं 10 साल ही जिए लेकिन मौज से जिए, अच्छे से जिए। ये जो भागवत अमृत है ना वो यही करती, कितना दियोगे इसकी गारंटी तो नहीं लेकिन जब तक दियोगे कोई भय नहीं होगा इस बात की गारंटी देती है ये विश्रीमद भागवत अमृत। निर्भय होकर के जियोगे, मौत का कोई भय नहीं होगा। और देवताओं वाला अमृत पी करके अमर हो जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।